Hey everyone, welcome to my channel Info Nuggets. तो आज हम देखने वाले हैं साइंटिस्ट के नाम, इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम जो जो कि हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में गिवन है. ठीक है, कुछ साइंटिस्ट जो है एनसीईआरटी के बाहर भी रहेंगे, मतलब कि आउट ऑफ एनसीईआरटी भी. मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम बता दूंगी वन क्योंकि उनके क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ आ सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा है ना, मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप्स. तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम अपने साइंटिस्ट पे जाते हैं, मतलब उनके लिस्ट पे. चलो तो सबसे पहले आता है हमारे पास में फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी हम सबको पता है कि है वो हमारे पास में एरिस्टोटल. ठीक है, नेक्स्ट आता है फादर ऑफ बॉटनी. बॉटनी के फादर भी हम सबको पता है कि थियोफ्रास्टस तो हैं ही, तो इसमें लर्न करने वाला कुछ ऐसा है नहीं. देन आता है फादर ऑफ मेडिसिन जो कि है हमारे पास में हिपोक्रेट्स. वो आज भी पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी इसलिए पहले से सब लिखा हुआ है और आज भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ. मेरी जो वीडियो है वो वो रिकॉर्ड हुई पर सेव नहीं हुई. चलो छोड़ो, क्या सुनाऊँ, दुख दर्द दास्तान, दुख वाली, पता नहीं क्या कहते हैं उसे. अच्छा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास में दी थी लीनियस ने, कार्ल्स लीनियस ने. तो और उन्होंने हमारे पास में बाइनोमियल नॉर्मल क्लेचर भी दिया था, तो दोनों मैंने एक ही साइड लिख दी, एक ही पेज पे लिख दिए. नेक्स्ट आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमें दी थी अर्नेस्ट हेकल ने, और हाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटेस्टा. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, वो दी थी कोपलैंड ने, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास में मुनारा. देन आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट अवेटेड, जो कि हमें दी थी आर एच विटक्कर ने, और इसका ईयर भी इम्पॉर्टेंट है जो कि है 1969. नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि हमारे पास में ग्रिफिथ चाचा जी ने दिया था, पता ही है सबको. देन आता है ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन होता है जब हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस. ठीक है, और ये हमारे पास में दिया था जिंडर एंड लेडरबर्ग ने. नेक्स्ट कॉन्जुगेशन आता है हमारे पास में, मतलब दिया था लेडरबर्ग एंड, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म कॉन्जुगेशन, और इन्होंने कौन कौन थे वो लेडरबर्ग एंड टेटम. ओके, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन होता है जब हमारे पास में बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बीच में ही जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ पिलाए, जो कि हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में ही. नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लीनियस. नेक्स्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. नेक्स्ट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये हमारे एनसीईआरटी के बाहर है, ये है एडामसन ने दी थी हमारे पास में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. ओके, नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी दी थी हम सबको पता है ये, तो मतलब क्या ही इसमें दोहराने की बात है, श्लिडन एंड श्वान ने दी थी. नेक्स्ट फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी सबको पता है, सिंगर एंड निकोलसन, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल बना था, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड. नेक्स्ट लॉकन की हाइपोथेसिस जो हमारे वो एंजाइम्स में फॉलो होती है वो हमें दी थी एमिल फिशर ने. ओके, नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय कॉश लैंड. ओके, एल ए है वो बीच में जो है. नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक थ्योरी वॉज गिवन बाय एटकिंस एंड प्रीसले. ठीक है, नेक्स्ट जर्म लेयर थ्योरी हमारे पास में दी थी वॉन बेयर ने. नेक्स्ट आता है रूट प्रेशर थ्योरी वॉज गिवन बाय प्रीसले. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वो हमें दी थी किसने, डिक्सन एंड जॉली ने, ये भी हमारी एनसीईआरटी का ही है और इम्पॉर्टेंट भी है. देन आता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय मंच. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस वाज गिवन बाय लुइस पेस्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो टिप्स पे सबके ही है वैसे आजकल तो. चलो आगे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमें दी थी फादर सोरेज ने, जिन्होंने कहा था कि 6 दिन में लाइफ आ गई थी और 6th डे पे वो आ गया था, इंसान भी आ गया था. चलो छोड़ो, अपनी अपनी सोच है. देन आता है हाँ गॉस हाइपोथेसिस, अभी मुझे अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही थी, बहुत ही बेइज्जती हो रही है. अच्छा,
गॉस हाइपोथेसिस जिसको हम कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं वॉज गिवन बाय गॉस ओनली. नेक्स्ट आता है रिकैप्चुलेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय वॉन बेयर. थ्योरी ऑफ बायोजेनेटिक लॉ वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पता ही है लेमार्क ने दिए. अब हमारे पास में 5 मिनट की वीडियो बन चुकी है, जब मैं लिख रही थी तब ये 10 मिनट की थी. चलो कोई बात नहीं. हाँ तो आज हम इतना ही रखते हैं और इसको हम पार्ट्स में कवर कर लेंगे, मतलब क्योंकि बहुत ही सारे साइंटिस्ट्स हैं तो एक ही वीडियो में तो वो होने नहीं वाले थे कवर, तो 2-3 वीडियोस रख लेंगे उसके लिए. ओके सो बाय गाइस.